गिर जाएगा अगर हाथ छूटा तो। अरे बाप रे, कोई है ऊपर। और गाइस आप ही लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी कि भाई टंकी के अंदर 24 घंटे बिताओ, तो उस सवाल का जवाब भी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। गाइस फाइनली आप लोगों की काफी हैवी डिमांड के ऊपर भैया मैं आ चुका हूँ आज टंकी के ऊपर, और आज हम जानेंगे कि टंकी के अंदर क्या है भैया, अंदर माजरा क्या है। गाइस आज से पहले मैं कभी भी इस टंकी के अंदर नहीं गया और कभी भी मैंने देखा नहीं अच्छे तरीके से कि अंदर सीन क्या होता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था, बट हमारी वाली टंकी का जो था टूटा हुआ था, तो हमने उस वाली पे नहीं करना ही बेटर समझा, क्योंकि जो सीढ़ी थी नीचे उतरने की वो पूरी की पूरी टूटी हुई थी, गली हुई थी। तो अभी हम दूसरी टंकी पे आ रखे हैं और इस टंकी की जो सीढ़ी है सही बता रहे हैं, वो तो अभी खोलने पे ही पता चलेगा। बाकी अंदर जाने से पहले ये टंकी का टॉप है और ये जो टंकी की हाइट है वो टोटल 120 फिट है, तो काफ़ी ऊँचाई है। यहाँ से अगर टपके ना तो भैया फूट जाएंगे एक बारी के अंदर ही। बाकी वो जो मेरा पीछे देख रहे हो जो पाइप निकला हुआ है वो एग्जॉस्ट के लिए है, जो हवा रहती है अंदर एयर सरपास के लिए है, और वही टंकी का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन चलते हैं टंकी के अंदर इन 3, 2, 1। तो गाइस टंकी कुछ इस तरीके की है, अभी आपको अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं कैमरा अंदर की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देख पाओगे। गाइस कुछ इस तरीके से है टंकी अंदर। एक काम करता हूँ मैं पहले ढंग से अंदर जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। काफ़ी दिल धक धक कर रहा है अंदर जाने से, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट हमने पूरी सेफ्टी का सामान अपने साथ रख रखा है, हम एक भी चीज़ की लापरवाही नहीं कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलो अंदर चलते हैं। भवानी आर यू रेडी? लेट्स गो। मैं रेडी, चलो। लो, शुड आई होल्ड योर हैंड? ठीक है। हाँ तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ टंकी के अंदर, मैंने सीढ़ी पे पांव रख दिया है, हाथ पकड़ ले वाले मेरा। शायद आपको मेरी जो आवाज़ है वो ढंग से ना सुनाई दे, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा गूंजन हो रही है जैसा कि आप सुन सकते हो। बाप रे बाप, दिल धक धक कर रहा है। अभी ये तो होद होता है ना, उस तरीके का है सेम, तो वैसे होगा स्टोरेज, तो ऐसे होता है। केयरफुल, गिर मत जाइए। हाँ आराम से जा। बाप रे बाप, आवाज़ सुनो कैसे गूंज रही है। चाह ना बोल, हॉरर फीलिंग आ रही है। गाइस ये सीढ़ी है कुछ इस तरीके की, ये अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हो रखी है, और जो टंकी है उसमें ये दो पिलर्स देखने को मिल रहे हैं, खाली है बिल्कुल टंकी। चलो मैं अंदर चलता हूँ। ओह पकड़ पकड़ इसे, पकड़ दूँ। आप आ जाना ना आराम से। गाइस हम दोनों ने यहाँ पे जूते खोल दिए हैं, चलो हम अंदर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो गाइस मैं फाइनली टंकी के अंदर आ चुका हूँ। टंकी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ गूंज रही है, और जो टंकी के अंदर का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा है, कोई है यार, घबराहट सी होने लग गई है। पता नहीं जो इसको साफ़ करने आते होंगे वो कैसे इसे साफ़ करते होंगे। बाकी टंकी के अंदर अभी इस लेवल तक पानी है, ये पानी है, और ये वो वॉल्व है जिससे पानी जाता है या आता है, आई डोंट नो। यहाँ पे 1, 2, 3 और उस तरफ नहीं है, 3 वॉल्व है शायद से जिससे पानी जाता है, ये वॉल्व है शायद से जिससे पानी आता है, और ये वॉल्व है जिससे पानी आता है। गाइस अगर अभी पानी आ गया तो, बाकी ये यहाँ पे आप देख सकते हो पानी की वजह से पूरी जो दीवार है उस पर फंगस टाइप की हो गई है, सारी की सारी दीवारें चिकनी है, बहुत ही ज़्यादा चिकनी। आप इसको ही देख सकते हो, ये देखो
काफी चिकनी है ये। डर लग रहा मुझे गाइस, सच में इसमें 24 घंटे बिताना नामुमकिन है, मैं तो सोच भी नहीं सकता भाई। मेरा तो दिल अभी धक 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 कर रहा है। बाकी आपने कहा था टंकी अंदर से कैसी दिखती है, तो मैंने अभी आपको दिखा दिया है कि ये जो पाइप है शायद इनसे पानी आता है, ये वाला पाइप वो जो तीन वॉल्व है उनसे पानी जाता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, उनसे पानी आता होगा और जाता होगा। बाकी ये क्या चीज़ है मुझे समझ भी नहीं आ रहा। गाइस काफ़ी ज़्यादा स्लिप हुआ, ये है कुछ समझ में नहीं आ रही ये चीज़ क्या है। बाकी आप यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है इसका रिफ्लेक्शन मतलब देख सकते हो किस तरीके से बन रहा है। अभी देखना मेरे पानी हिलाने से क्या होता है। अब देखो उस तरफ, इस किरण की वजह से, वहाँ से जो किरण आ रही है बहुत ही खतरनाक आ रही है, कि जो पानी का रिफ्लेक्शन है वो उधर हो रहा है, नेक्स्ट लेवल। रुकेगा अंदर? हाँ भाई, मैं भाई हम नहीं रुक सकते इसमें। निकल। गाइस बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है इससे, तो आराम से। गाइस अब मेरी बारी है जाने की। आ जाओ गिर जाएगा कोई हाथ उठा दो। अरे बाप रे, आराम से। फाइनली ये नीचे उतर के बात करते हैं भाई, मेरे को बैठने दो। नीचे उतर के बात करते हैं, नीचे उतर के अभी नहीं, बाद में। गाइस यार सच में आधे घंटे के अंदर अंदर ही हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी टंकी के अंदर, हम वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। गाइस यार जहाँ तक बात रही 24 घंटे टंकी के अंदर बिताने की, वो भैया इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ आधे घंटे ही अंदर रहे थे और हमारा जो सर था ना अपनी ही आवाज़ों से दुखने लग गया था। बहुत ही ज़्यादा एको था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग अंदर का जो सराउंडिंग था वो था, काफ़ी डर भी लग रहा था, हमारा दिल धक 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 कर रहा था, जबकि वो टंकी बिल्कुल खाली थी, फिर भी हमें ऐसा लग रहा था कि भैया अब आएगा पानी। सच में उसके अंदर 24 घंटे बिताना मुश्किल है, बट हाँ इम्पॉसिबल नहीं है। तो इन फ्यूचर कोई हमें सब्स्टिट्यूट मिलता है उसी की जैसी सेम फीलिंग देने वाला, तो हम उस चीज़ पे 24 घंटे रहने की ट्राई बिल्कुल करेंगे। अगर इस वीडियो पे 10,000+ लाइक्स होते हैं तो हम वो चीज़ भी जल्द से जल्द ट्राई करेंगे। लाइक कर देना।